नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं तड़का, वो गोटा मूंग से बनाएंगे। इसके लिए हमने 200 ग्राम मूंग लिया है। इसको अच्छे से धो के कुकर में 4 सीटी लगा लेंगे। आप चाहे तो तड़का दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने धो लिया है। इसमें 2 बड़े गिलास पानी डालेंगे और 4 सीटी लगाएंगे। कुकर ठंडा हो जाएगा, कुक खोलेंगे। हमने गैस ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगाना है। हमें 6 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो अंडा कम बेसी कर सकते हैं, बिना अंडे का भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें अंडा डालेंगे। तो अब हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, करीबन 1 बड़ा चम्मच के जितना तेल डाल दिया। तेल गर्म होगा तो हम इसमें अंडे डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें अंडा डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में ऐसे करके चलाएंगे। ये देखिए, आप इस टाइप से बनाइएगा, आपको बहुत टेस्टी बनेगा। पूरा ढाबे स्टाइल है। वैसा बनाइएगा तो आपको बाहर का तड़का खाना भूल जाइएगा। ये देखिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका तड़का मेरे जैसा नहीं बनेगा। ये देखिए, आपको मीडियम फ्लेम नहीं करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है, वरना हमारे अंदर जल जाएंगे, ठीक से होंगे नहीं। हम मीडियम में करेंगे तो बहुत ही अच्छे होंगे। ये हो चुका है, आप देखिए। अब इसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। ये देखिए, हमको अंडा का भुर्जी के जैसे बनाना है। ये हो चुका है। हमने 200 ग्राम प्याज का इस्तेमाल किया है, जैसे ऑमलेट में प्याज डलाते हैं उस टाइप से। देखिए, हमने काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, बारीक बारीक। 150 ग्राम टमाटर भी यूज किए, जिसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है इस तरह से। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। तड़का हमारा 2 सीटी हो चुका है, और 2 सीटी लगाना है। हमारा तड़का हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। कुकर को ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे। हमने फिर से कढ़ाई ऑन कर ली, कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। हमने तेल 4 बड़े चम्मच लिया है, 3 नहीं, क्योंकि हमारा तड़का ज़्यादा है, इसीलिए आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हम सरसों तेल से बना रहे हैं, सरसों तेल से तड़का ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप जिस तेल का सिखाते हैं उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 तेज़पत्ता डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद, तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे। इसको 10 सेकंड तक पकाएंगे। ये देखिए, मेरा लहसुन देखिए कितना बारीक बारीक काटे हैं। इस टाइप से आप भी काट लीजिएगा। मिर्ची सब कट गया, थोड़ा सा हमने आधी का इस्तेमाल किया है, 1 इंच का। ये देखिए ये हो गया। अब ये डाल दें हम क्या, इसमें 10 सेकंड तक इसको भी चलाएंगे, मीडियम फ्लेम पे चलाएंगे हम 10 से 15 सेकंड। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे अपना। ये देखिए, अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है, 15 सेकंड हो चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को लगभग 4 से 5 मिनट तक हमको फ्राई करना है। बीच बीच से चलाते रहिएगा, वरना प्याज जल जाएंगे एक तरफ से। ये बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बारीक कटा हुआ है ना, इसलिए। ये देखिए, हमारा प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे अपना, कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। इसमें नमक डाल देंगे, हम 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, नमक डाल दिया है। टमाटर डाल के हमको नमक डाल देना है, ताकि हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, बीच बीच में चलाते रहिएगा, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए हमें पकाते रहना है। ये हमारे मसाले हैं, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच तड़का मसाला, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरा मिर्च का भी इस्तेमाल किया। हमारे घर में ज़्यादा तीखा नहीं खाता। आप लोग को तीखा पसंद है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं क्या बना रहा सब लिया। 2 मिनट के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, हम अपने सारे मसाले डाल देंगे। ये देखिए, मीडियम फ्लेम में हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में करना है, वरना मसाले जल जाएंगे। वाह, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। ये देखिए, हमारे मसालों में से तेल छोड़ दिया गया है, 5 मिनट भी हो चुका है। ये देखिए, कितने अच्छे मसाले फ्राई हुए हैं। हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है, इसको कुकर को खोल लेंगे।
ये देखिए हमारा ये कितना सुंदर गल चुका है, तो आपको हाथ से दिखाते हैं, तो बहुत गर्म है। ये देखिए गल चुका है, अब हम अपना मसाले में सारा तड़का डाल देंगे। ये देखिए हम डाल दिया है, अब इसे हाई फ्लेम पे हम 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर हमारे तड़के में आ जाएगा। फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको पका लें अच्छे से। 3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें एक छोटा ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने पानी ऐड कर दिया एक छोटा ग्लास, ये देखिए बस इतना ही करेंगे। और जो हमने अंडा फ्राई करके रखा उसको भी डाल देंगे। ये देखिए अंडे को डाल के हम अच्छे से मिला देंगे, इसको ढक के लो फ्लेम में 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए हमारा तड़का बन के रेडी है, ये सोख लेगा इसमें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। थैंक यू। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, हरा धनिया आप भी ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा होता है। ये देखिए हम आपको प्लेटिंग करके दिखा रहे हैं, ये देखिएगा आप ऐसे प्लेटिंग कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आपके घर पर कोई मेहमान आ जाए, कोई भी आ जाए बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी होती है। और एक बार फिर प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।